पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अब इस बार जैसे मैंने दो चार्जेस की एनर्जी कराया, अब तीन चार्ज की एनर्जी कैसे करेंगे? तो मान लो ये तीन चार्जेस हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, पहले इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, पहले चार्ज को आपने यहां रखना है, पहले चार्ज को रखने का वर्कडन हमेशा क्या होता है, जीरो, ये तो मना नहीं करता। फिर दूसरे चार्ज को यहां पे रखना है, पर दूसरे चार्ज को यहां पे रखने से पहले Q1 ने यहां पर लगाया पोटेंशियल, कितना लगाया, 1/4πε0 Q1/r12 पोटेंशियल लग गया, और यहां पर कितना चार्ज रखा, Q2, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क डन क्या हुआ, चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल वी, Q2 इंटू वी, और वी किसने लगाया, Q1 ने, आंसर आ गया वर्क डन का, क्लियर है यहां तक। फिर थर्ड चार्ज रखना है Q3। अब Q3 रखने से पहले इस पॉइंट पर जहां पर Q3 रखना है कौन लगा रहा है पोटेंशियल, Q1 भी लगाएगा और Q2 भी, तो Q1 क्या लगाएगा, 1/4πε0 Q1/r13 और Q2 क्या लगाएगा, Q2/r23। तो यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए Q3 को इस V' से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन है, तो मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, थर्ड वर्क डन। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। आपने ऐसा नहीं करना जैसे मैंने किया, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या सारे दो दो करके पेयर लेने हैं, जैसे एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2/r12 1/4πε0 Q2 Q3/r23 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/r13। तो बस सीधा आंसर आएगा, दो दो करके एनर्जी को कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, डन। जैसे सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, कितने पेयर बनेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 एनर्जीज कैलकुलेट कर लेंगे ऐड करके, आंसर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, राइट। जैसे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तो एक चार्ज है 1, 1, 2, 1, 3, तो कितने पेयर ऑफ एनर्जी बनेगी इसमें, 3, पहली किसकी, 1 और 2, 1/4πε0 1 × 2/4, दूसरी 2 और 3 की, 2 × 3/5, तीसरी 1 और 3 की, 1 × 3/9। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक। जैसे तीन चार्जेस हैं, माइनस क्यू, बड़ा क्यू, माइनस क्यू, एक लाइन में पड़े हुए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। अगर सिस्टम की एनर्जी तीनों की जीरो है, चार्ज की रेशियो निकालो। अब सिस्टम की एनर्जी कैसे निकलेगी, पहले माइनस क्यू और कैपिटल क्यू की, 1/4πε0 -Q Q/r, दूसरी क्यू और माइनस क्यू की, क्यू और या माइनस करो, क्यू माइनस क्यू बाय आर, और तीसरी माइनस क्यू और माइनस क्यू की, यहां भी माइनस लगाओ, माइनस माइनस, डिवाइडेड बाय कितना, 2R। तो पहली एनर्जी इन दोनों की, दूसरी एनर्जी इन दोनों की, तीसरी एनर्जी इन दोनों की, तीनों का सम इक्वल टू क्या, जीरो। तो 1/4πε0 तो कट गया, तो क्या बचा, ये बचा, यहां से ये बचा और यहां से ये बचा, यहां से क्यू 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 भी गया, आर 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 भी गया, सॉल्व करके आप पे अपने आप रेशो आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, सिस्टम की एनर्जी निकालो इक्वल टू जीरो, आंसर आ जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या सपोज करो, ये नोट कर लेना चाहिए ऐसा, कि आपके पास तीन चार्जेस हैं कुछ ऐसे, 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आपने क्या किया, इन चार्जेस को उठा के पास ले आए, जब पास लेके आएंगे 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर, ऐसा करने में आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्या करें, पहले निकाल लें इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में क्या होगा, 1/4πε0 2 × 2/1 2 × 2/1 2 × 2/1, क्या है पॉइंट क्लियर है, इनिशियल एनर्जी, ठीक है। फिर आप निकाल लें फाइनल एनर्जी,
फाइनल एनर्जी में 1/4 pi epsilon naught 2 × 2/0.5 2 × 2/0.5 और उसी तरीके से 2 × 2/0.5। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस माइनस कर लेंगे, इतने जूल आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या करेंगे इसमें? कभी कभी ऐसा भी आ सकता है एक स्क्वायर दे देगा चार चार्जेस, फिर उसको छोटे स्क्वायर में लेके आ गया पास। तो इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, चेंज एनर्जी, वर्क डन, ठीक है यहां तक? मैं होमवर्क दूंगा इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम, आपको पूरी शीट दूंगा, आप ट्राई करें। पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अगली बार, फिर आपको होमवर्क दूंगा, आपको सबमिट करना।